देवा या हम्माच्या सगळ्या मनोकामना पूर्ण कर रे बाबा। तिका चांगली बुद्धी दे, तिच्या मनात माझ्या गौरी बद्दल प्रेम निर्माण होऊ दे, आणि बस तिका एक चांगला माणूस बनव, बाकी काय नाही। हे प्रभु, मतलब आजी जी ने अभी जो मराठी में कहा वो हमारी समझ में तो नहीं आया, लेकिन आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब समझते हैं प्रभु, तो इन्होंने जो कहा वो समझ के जल्दी से हमारी मनोकामना पूरी कर दीजिए। देव तुम्हारे सुनेगा सब, हा? और याद है ना, आज से ये अखंड दीप जलाने के बाद आपको असली घी खाना नहीं है, समझ गए ना? नहीं अजी जी, हम सोच रहे थे कि ये जो घी का दिया लगाना है, मतलब इसके पीछे तर्क क्या है? तर्क? हाँ तर्क है ना इसके पीछे, क्या होता है, घी शुद्ध होता है, हा? वो जलाने के बाद पुराने पाप सब जल जाते हैं, वैसे भी तुम्हारे अब पुराने पाप जल जाएंगे, मन शुद्ध होगा और पुण्य के साथ तुम्हें पोता भी मिलेगा। आजी जी, मतलब हमारे यहाँ क्या होता है कि पाप धोने के लिए ना कुछ जाप होते, मंत्र होते हैं, तो आपके यहाँ भी ऐसा कोई प्रावधान होता होगा जिसको बोलने से करने से मतलब जल्दी से पाप धुल जाए और फटाफट मनोकामना पूरी हो जाए? हाँ, बराबर बोलते हैं तू। हाँ जाप करेंगे तो हाँ बोलते है। देखो देव के सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहने का और ये मंत्र बोलने का, हुँ? मी बाळ बुद्धी नर्मदा तुला साखळ घालतोय। बाळ बुद्धी म्हणजे बच्चा। अच्छा बच्चा। माझा चोंबडेपणा कमी होत, मी माझ्या सुनांचा छळ करत होता तो संपू दे। सुनांचा म्हणजे बहू, बहू। अच्छा बहू बच्चा। हाँ जी जी, माझी अक्कल गवत खायला गेली होती, ती ती परत येऊ दे। हे सगळ्यांना सांभाळून घ्यायचा समजूतदारपणा, येऊ दे आणि सगळ्यांच्या इच्छा पूर्ण हो दे। आणि झाला एवढा था। हा ये जो मंत्र आहे ना, शाम को तुलसी के सामने दिया जला के बोलने का, सारे पाप धुल जाएंगे। गौरे तू एक काम कर, अम्मा जी ना तो मंत्र लिहून आणून दे, तो पर मी बाकीचे उपाय यांका सांगते। मी नाही जाणार आजी। गौरी जल्दी जाओ बेटा, जल्दी लिख कर लाओ, हमें याद भी तो करना है फिर। जाओ जाओ जल्दी जाओ, हमारे पास समय बहुत कम है। लेकिन अम्मा जी मैं ये। नहीं नहीं जल्दी जाओ बेटा। जी अम्मा जी। जी जी, और है फिर बाद में बताएंगे। अम्मा जी ने कर लो। अरे तू मुलींचा फोटो का लावलेस? इधर आओ ना, ये देखो, ये देखो हमारे बेबी के टॉयज। बेबी की ड्रेस, बेबी के डैडी ने पसंद किए, अच्छी है ना? और ये देखिए, ये पोस्टर देखिए, पोस्टर कितना क्यूट है, एकदम आपके तरह। इसके तो गाल पे वो भी है, वो है ना गाल पे? हाँ, हाँ वो भी है, खड़ी है ना इससे। ठीक है तू एक का करतो इस पढ़ा रहे, अम्मा जी ने पहले तो नहीं आवड़ना,
त्यांना नातू हवा आहे की नाही, त्या किती प्रयत्न करतायत, आणि त्यात तू असं त्यांच्या मनाविरुद्ध जाऊन करशील तर? हम उनके मन के विरुद्ध नहीं जा रहे, हम सिर्फ अपने दिल की बात सुन रहे हैं। कोरे जी, हमें एक बेटी चाहिए और हमारा दिल कहता है हमें बेटी ही होगी। देखना, तू जर हळू बोलना, अम्माजींनी ऐकलं तर त्यांना वाईट वाटेल। हर बात में क्या अम्मा अम्मा अम्मा? गौरी जी, आप हर बात में अम्मा की वकालत कर रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको भी बेटा ही चाहिए उनकी तरह? नहीं नहीं, अरे ऐसा क्या बोलतोस तू? मला ही मुलगीच हवी आहे, आणि मी काय त्यांची बाजू वगैरे नाही घेते। मला फक्त त्यांची आणि ते जो काही विचार करताय त्याची काळजी वाटते। आणि माझी काळजी, हमारा ध्यान कोण रखेगा? ऑफ कोर्स मी, मी घेईन तुझी काळजी। ऐसा लगता तो नहीं है। ये देखिए, हम इतनी सारी चीजें लेके आए हैं यहाँ पे, ये गिफ्ट्स लेके आए हैं, ये ड्रेस लेके आए हैं, पर आप ये सब चीजें देख के खुशी नहीं है? मी खुश है खरच। बघ माझ्याकडे, अरे बघ। आणि सोन्या, मला ही मुलगी हवी खरच, तुझ्यासारखी प्यारी सी। नहीं नहीं, आपके जैसी नहीं। नहीं नको, माझ्यासारखी नको। मी मोठी आहे ना, असं नको। मला तुझ्यासारखी मुलगी हवी, उंच, तुझ्यासारखे डोळे, तुझ्यासारखं फक्त हे नाक तुझ्यासारखं नको। क्या प्रॉब्लम है हमारे नाक में? अरे किती मोठा प्रॉब्लम है। बढ़िया नाक है हमारी? काही बढ़िया नहीं है, खूप मोठा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बताओ? तुझं नाक है ना, सतत म्हणजे तुझ्या नाकावर सतत राग असतो, एवढा मोठा राग। हमारी नाक पे राग होता है? बघ बघ बघ, आता पण है बघ। हम बता, आपकी नाक पे क्या है? माझं नाक एकदम व्यवस्थित है। आपकी नाक वैसी 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 होती ना, वो चाकू जैसी, सब्जी काटने काम आती है। माझं नाक चाकू आहे, सब्जी काटशील त्याच्याने? देवा मी बाल बुद्धि नर्मदा। देवा मी क्या है? हाँ, बाल बुद्धि नर्मदा। हाँ, आज तुला साकडम घालते। आज तुला सा, अरे कितना कठिन है ये। हाँ देखिए ना, आज तुला साकड घालते। माझा चोमडेपणा कमी होऊ दे। माझा माझा चो चोमडेपणा माझा चोमडेपणा कमी होऊ दे। हाँ, मी माझा सु माझा, अरे सरला तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन अम्मा जी, हमें एक बात समझ में नहीं आई, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? हाँ, कल से सावन शुरू होने वाला है ना, तो उसके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन अम्मा जी सावन तो हर साल आता है, लेकिन आप तो ये सब कभी नहीं करती, तो इस साल ये विशेष क्यों? हमारी मर्जी, और कुछ? हाँ अम्मा जी, हमें ना और भी कुछ पूछना है। वो अम्मा जी, हम समझ गए कि आपकी मर्जी है, लेकिन अम्मा जी इस साल ये मुंबई से इतना प्यार क्यों? मतलब आप जो ये मराठी में मंत्र याद करिए ना, ये बात हमारी हजम नहीं हो रही। तो हजम कर लो सरला, मंत्र चाहे मराठी में हो या हिंदी या संस्कृत में, बस भगवान खुश होने चाहिए। हाँ हाँ, सो तो है। हाँ लेकिन अम्मा जी, हमें अभी भी कुछ हजम नहीं हो रहा है, तो और भी कुछ पूछे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक शब्द और कहा ना, तुम तुम्हारा हाजमा खराब कर देंगे। चलो जाइए यहाँ से, हमें मंत्र याद करने दो, जाओ। लेकिन अम्मा जी। सरला, तुम जाती हो कि नहीं? जी अम्मा जी। माझी अक्कल
गवत खायला गेली आहे माज। ये अम्मा जी भी ना बोरा से गई है, बिल्कुल पागल हो रही है। बचाओ बचाओ, बनारस में भूकंप आ गया रे, बचाओ बचाओ सरला, बचाओ अपने आप को, भूकंप आ गया, भूकंप भूकंप आ गया, भूकंप। कहाँ है भूकंप? हम हैं सरला, पर आप कब आए? अरे तुम क्या भूकंप से कम हो? और जब तुम अम्मा से सिर फोड़नी थी तब आए। लेकिन क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब है, हमारे सिर में दर्द हो रहा था, हमने सोचा घर जाकर थोड़ी देर आराम कर लेंगे, लेकिन तुम तो हमारे पैरों पर चढ़ गई, पूरे पैर का कुचुंबर बना दिया, तोड़ दिया इसको। हाय, हम कितने पतले हैं, आपके अम्मा जी की तरह मोटे थोड़ी ना जो आपका पैर का कुचुंबर बना देंगे। अरे सुनो, जब से गौरी ने घर संभाला ना तुम मोटी आ गई हो, और अम्मा छोड़ो तुम तो दादी जी को मात देने वाली हो अभी कुछ ही दिनों में। हे भगवान सच्ची? और क्या मुच्ची? मोटे मोटे तो लग रहे हैं हम, लेकिन हम क्या करें? हम क्या जाने क्या करो, अरे खाओ दबा के, खुद सोचो। हाँ। सुनिए ना, हम एक काम करते हैं, आज से सावन शुरू हो गया ना, तो हम आज से एक आसना शुरू कर देते हैं, है ना, कैसा रहेगा? दिन में एक बार खाना खाएंगे ना, तो महीने भर में अपने आप ही बदले हो जाएंगे, नहीं? मेरी भोली सरला, मजाक कर रहे थे हम। क्या ये मजाक था? कैसा मजाक था? अच्छा, आपने तो जान ही निकाल दी हमारी, डर गए मोटापे के चक्कर में। एक आपके अम्मा जी है जिन्होंने हमारी जान ले रखी है, और एक आप है जो हमें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। क्यों, अम्मा ने क्या किया? हाय मत पूछिए अम्मा जी ने क्या किया, आपको पता है वो ना बोरा सी गई है, वो पता है आजी जी का दिया हुआ कोई मराठी मंत्र याद कर रही है। क्यों? अरे राम जी, हमें क्या लगता है हमारे गुड न्यूज के चक्कर में अम्मा जी पागल हो रही है बिल्कुल। हाँ क्या बकवास करते हो तुम भी। अरे हम बकवास नहीं कर रहे, सच कह रहे हैं। आपको पता है जो अम्मा जी बनारसी साड़ी और गहनों के साथ सजी धजी रहती थी, वो अभी सादगी की मूरत बन गई है। क्या? हाँ, सारा साज श्रृंगार उतार दिया उन्होंने और सूती की साड़ी पहनकर घूम रही है। हाय राम जी, तीज का शगुन देने जब हमारे भैया आएंगे, उन्होंने अम्मा जी को ऐसे बैरागी के रूप में देख लिया तो फिर वो क्या क्या सोचेंगे, और उसके बाद घर में जाकर मम्मी जी को क्या क्या बताएंगे, और उसके बाद फोन पे मम्मी जी हमसे क्या क्या पूछेंगे, और हम उनका क्या क्या जवाब देंगे। भगवान, अम्मा जी आपने ऐसा क्यों किया? गौरी, गौरी जी। अम्मा जी, हमें जरा ये मंत्र पढ़ना सिखा दो। हाँ, ये कैसी तस्वीरें लगा रखी तुमने, हमने मना किया था ना? अम्मा जी मैंने नहीं, शुक्ल जी ने लगाया है। अरे तो मुन्ना को मना करना चाहिए था। हाँ अम्मा जी, मैंने मना किया था उन्हें, लेकिन जाने दीजिए ना आप। नहीं नहीं हटो, हम निकाल देंगे। नहीं नहीं अम्मा जी, रहने दीजिए ना। और अम्मा जी वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी वही होगा जो आप चाहती हो। गौरी वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें ऐसी तस्वीरें नहीं देखनी चाहिए, होने वाले बच्चे पे असर पड़ता है इसका, हम निकाल देंगे इसको। अम्मा हाँ, एक पैसा। अरे नहीं नहीं, अरे अम्मा उसका कोई असर नहीं पड़ता है, रहने दो उसको। लेकिन आजी जी, अगो मी सांगता है ना, काय पण होता नहीं। देखो पहले से ही गौरी के मन में बेटे की तस्वीर है ना, तो उसको बेटा ही होगा। हा? और तुम जो इतना कड़क व्रत कर रही है पोते के लिए, तो कोई शंका ले ही नहीं सकती ना। लेकिन आजी जी हम क्या कहते हैं कि देखो कहने का है ना तो मंत्र कहो। हा? ऐसा गुस्सा करके पाप मत चढ़ाओ, नहीं तो 11 दिन के बदले 21 दिन करना पड़ेगा। करेगी क्या कि मंत्र पाठ करेगी? वो मंत्र सीखने का। हाँ तो मैं अभी तेरे को मंत्र सिखाती हूँ, तू मेरे पीछे पीछे बोलना। चलो मैं सिखाती हूँ, मेरे पीछे पीछे बोलो। हाँ, देवा मी बाल बुद्धि नर्मदा। देवा मी बाल बुद्धि नर्मदा। बाल बुद्धि मतलब बच्चा। बच्चा हाँ,
आज तुला साकड़ घालते, आज तुला साकड़ घालते, माझा चोंबडेपणा कमी होऊ दे, माझा चोंबडेपणा कमी होऊ दे, माझ्या सुनांचा, माझा सुना, सुन म्हणजे बहू, बहू, सुन का मतलब बहू, मी माझ्या सुनांचा केलेला छळ आता संपू दे, मी माझ्या सुनांचा केलेला छळ आता संपू दे, देवा मला बुद्धी दे, देवा मला बुद्धी दे, मला बुद्धी दे का मतलब होता बुद्धिमान हो, सगळ्यांच्या सगळ्या इच्छा पूर्ण होऊ दे, सगळ्यांच्या सगळ्या इच्छा पूर्ण होऊ दे, शाबास अच्छी तरह से पाटकी है। अभी एक काम करने का, रोज शाम को इसको 11 बार पठन करने का, 11 तो बच्चा पोता ही होगा। जाओ अभी आराम करो और शाम को 11 बार, हाँ 11 बार पठन करो। धन्यवाद आजी। हाँ, ये गोरे बघितलं अगो अम्मा ना प्रेमळ आहे तशी, तिचं मन म्हणजे ना लहान पोरासारखा, आता किती पटकन पाठ केली आणि तिने बघ, हा लहान मुलं कसं नवीन गोष्ट शिकवली की शिकतात की नाही पटकन, तसा आता बघशील तू, तिचं मन आहे ना हळूहळू लहान पोरासारखा एकदम निर्मळ होत आला बघ। आजी अगं पण त्यांना, अगो तुका प्रेमळ अम्मा हव्या की कटकटी? प्रेमळ होय ना, मग चिपरव आणि जे काय होत आहे ना ते बघत राहा, कळलं? हा देवा, मी बाल बुद्धी नर्मदा आज तुला साकळ घालते, माझा चोंबडेपणा कमी होऊ दे, मी माझ्या सुनाच्या केलेला छळ आता संपू दे, मला बुद्धी दे, माझी हाँ मुन्ना के बाबू जी बोलिए। हाँ नर्मदा जी, वो माताजी ने हमसे कहा था कि कुछ तीज के शगुन के लिए साड़ियाँ भिजवानी है बहन बेटी के यहाँ। तो भेज दीजिए ना। नहीं मतलब इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? आप तो जानते हैं ना हमारे यहाँ तीज का शिंगारा मतलब शगुन की टोकरी में सुहाग के सामान के साथ साड़ियाँ भी भेजी जाती है। हाँ लेकिन हमने ये कहने के लिए फोन किया है कि इस बार शगुन लेकर हम गोमती के यहाँ नहीं जाएंगे। अच्छा, अब हम समझे कि आपने हमें फोन क्यों किया है। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके ऊपर जाने का दबाव नहीं डालेंगे, हम राम और मुन्ना के साथ शगुन की टोकरी भिजवा देंगे। यही ठीक रहेगा। वैसे हमें अच्छा लगा कि आप भले ही उनके यहाँ जाना नहीं चाहते लेकिन बहन बेटियों को शगुन भिजवाना आपको याद रहा। राजी तो होना ही था वरना माताजी नाराज हो जाती। वरना जिस तरह से गोमती ने प्रभुदयाल के गोरख धंधे में उसका साथ दिया और उर्मिला की जिंदगी से खिलवाड़ करने से उसे रोका नहीं, उसे देखते हुए तो हमारा बिल्कुल मन नहीं है। मन तो हमारा भी उनकी तरफ से खट्टा हो गया था लेकिन हमने उन्हें माफ कर दिया। इसी बात से हम हैरान हैं कि आपने उन्हें कैसे माफ कर दिया। माफ करना ही पड़ा, आप तो जानते हैं ना हम घर की बड़ी बहू हैं और घर परिवार में बड़ों को अपना दिल भी बड़ा रखना पड़ता है, सो हमने अपना दिल बड़ा रखकर उन्हें माफ कर दिया। वैसे सच कहें मुन्ना के बाबू जी, हमें लगता है गोमती जिज्जी भी बेचारी मजबूर है, उन्होंने अपने पति का साथ देकर अपना पत्नी धर्म ही निभाया है। हाँ लेकिन बहन और बेटी का फर्ज तो भूल गई वो। छोड़िए ना मुन्ना के बाबू जी, आप नहीं समझेंगे ब्याहता औरतों की मजबूरी, उन्हें तो हर हाल में सारे फर्ज छोड़ के पति का साथ निभाना पड़ता है, यही तो उनका फर्ज है। तो जब जिज्जी ने अपना फर्ज निभाया तो हम अपना फर्ज निभाने में क्यों चूके भला। वाह क्या बात कही नर्मदा जी, दिल खुश कर दिया आपने तो हमारा। सच कहें तो आपके व्रत का आप पर बड़ा अच्छा असर हो रहा है। आपकी सादगी भरी सुंदरता तो निखर ही रही है, साथ में आपकी सोच भी निखर रही है।
सच? आपका ये रूप और सोच दोनों हमें बहुत पसंद आए, हम आपको ऐसे ही देखना चाहते हैं। हम कोशिश जरूर करेंगे। वैसे आपसे एक विनती है मुन्ना के बाबूजी, शाम को आप जरा जल्दी घर आ जाएंगे? नहीं, वो क्या है, हम एक नए मंत्र का जाप कर रहे हैं ना, तो सबके साथ आप भी शामिल रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। आप आएंगे ना? आप कहें और हम ना आए, ऐसे भी हालात नहीं। आपका हुक्म सर आंखों पर मेरी सरकार, हम जरूर आएंगे जी। हम इंतजार करेंगे आपका।